ये देखिए देखेगा यम्मी टेस्टी सब्जी जो कि हमने बना करके रखी है और बहुत टेस्टी है ये हमने रोटियों के साथ सर्व करी है आप चाहे जिसके साथ रोटियों के साथ पराठे के साथ पूड़ी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत यम्मी बेसिक सी सब्जी तो चलिए देखिए हमने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के आलू गाजर बंद गोभी और हरी मटर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियों की क्वांटिटी रख सकते हैं और ये देखिए प्याज लहसुन की कलियाँ और टमाटर और एक इंच अदरक का टुकड़ा ये हमने बड़ा बड़ा रफली कट कर करके डाल दिया है जिसको हम बारीक चॉप करेंगे गाइस ये सब्जियाँ बहुत हेल्दी होती हैं और ठंड के सीजन में काफ़ी मात्रा में आती हैं तो इनको खाना बहुत अच्छे से बनता है तो ये देख सकते हैं ये जो हमने बताया था प्याज अदरक लहसुन और टमाटर इनको हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक ये देखिए तेल डाला है इसमें डाल दिया है जीरा और ये हमने डाल दिए मसाले जो हमने चॉप करके रखे थे देखिए मसालों की क्वांटिटी हमने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी नहीं बताई है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो तो देखिए इसमें गाय प्याज में हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जिससे कि प्याज और हमारा टमाटर जल्दी अच्छे से जल्दी से कुक हो जाए तो ये देखिए अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा पानी जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं ठीक है तो क्योंकि प्याज और टमाटर सब हमने आपस में फ्राई कर लिया था तो उसमें पानी की क्वांटिटी तो रह नहीं गई थी इस वजह से हमने जब ड्राई मसाले डाले हैं तो इनको भून लिया ये हमने डाला दो से तीन पिंच हींग इन सभी मसालों को देखिए भून लिया अच्छे से अब हम अपने ऐड करेंगे हरी सब्जियाँ जो हमने कट करके रखी थी गाइस इसमें आप शिमला मिर्च बंद गोभी शिमला मिर्च गोभी और भी हरबीन्स सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं हमारे पास चौथी जनरली हमने वही ऐड कर लिया तो इनको दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक देख सकते हैं गाइस एक बात और अगर आपने बंद गोभी की मात्रा अधिक ली है तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नमक डालते ही सब्जियां अपना पानी रिलीज़ कर देंगी छोड़ देंगी और अगर आपने बंद गोभी की या पानी वाले पत्ते वाली सब्ज़ियों की मात्रा कम ली है आलू वगैरह ज़्यादा लिया है तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं निकलता है नहीं रिलीज़ होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा सब्ज़ियाँ पकाने के लिए तो देखिए अच्छे से ये मिक्स कर दिया है हमने और जैसा कि आप सब जानते हैं गाजर है हमारी आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए के लिए अच्छा होता है पदारी सब्ज़ियाँ हैं जो कि हमारे खून को बढ़ाती हैं तो ये सारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं तो ये देख सकते हैं गाइस इसको हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे चला चला करके हम इसे देखते रहेंगे देखिए आप देख सकते हैं साइड में कि नमक डालने की वजह से हमने बंद गोभी जो ली थी ज़्यादा थी तो देखिए इसमें पानी कितनी मात्रा में बंद गोभी ने छोड़ दिया है तो इसीलिए हमने बोला था कि इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बंद गोभी और गाजर वगैरह ली है तो जो कि अपना पानी रिलीज रिलीज करेंगी तो ये देख सकते हैं इस तरह से चलाते हुए हम इसे कुक कर लेंगे तो ये देखिएगा इस हमारी सब्ज़ी लगभग हो चुकी है बन चुकी है एक आलू का टुकड़ा फोड़ कर देख लेंगे तो इसमें अब हम पक चुकी है तो अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला और ऐड करेंगे हरी धनिया देखिए हम धनिया हमको हरी धनिया जो होती है वो हमको बहुत अच्छी लगती है और सब्ज़ी में पड़ने से वो सब्जी का टेक्सचर भी अच्छा लग जाने लगने लगता है ग्रीन ग्रीन इस वजह से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये देख सकते हैं गाइस सर चलिए बन गई है तो हम सर्व करते हैं ये देखिए हमने गर्मा गर्म, गर्म फूली फूली रोटी के साथ सर्व किया हुआ है तो ये बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाते हैं तो साथ में अचार और गाजर भी रखा हुआ है तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट डे